मिशन ओवरमार्स का ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इस अमेजिंग रिस्पांस मिलने के बाद वेब सीरीज की स्टार कास्ट मोना सिंह, पालोमी घोष, निधि सिंह मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो कैसे इस वेब सीरीज की पार्ट बनी और अपने कैरेक्टर को लेकर भी बातें की और कहा कि उन्हें इस दौरान क्या कुछ प्रिपेयर करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने क्या क्या बातें की, आई आपको उन्हीं से मिलवाते हैं। सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूंगी और साथ ही साथ कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। यस थैंक यू। आप तीनों से जानना चाहूंगी कि इस वेब सीरीज को लेकर सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला और क्या मिला? किसी एक से? हां, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट। ओके, व्यूअर्स से। हां बताओ। हां बता। सिबस वरी इंस्टाग्राम खोला, टैलेंट जोहर हैड मिलो वीडियो मैसेज एंड ही मेंशन मिशन ओवर मार्स। रियली? दैट्स राइट। एक का अर्वर्ड मिशन ओवर मार्स इज डूइंग रियली वेल। मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि यू नो इस डिजिटल दौर में द हाउस वाइफ्स हु आर वॉचिंग द शो, नहीं तो हाउस वाइफ अपने लिए लाइफ इजी कर देते हैं कि चलो टीवी पे जो आएगा वो हम देखते हैं, बट दिस इज एन एफर्ट। वो ऐप डाउनलोड करते हैं, वो शो देखते हैं एंड देन दे ऑल्सो मैसेज यू विच इज़ ब्यूटिफुल। मुझे तो बहुत खुशी है। विल दिस लॉट्स ऑफ ओवरवेलमिंग मैसेजेस, पर मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा ये था कि किसी ने मुझसे कहा था कि दैट वी आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि आप हो जिसने टाइपराइटर, यू नो दैट यू आर इन टाइपराइटर एंड आप इसमें एकदम अलग लग रहे हो, यू नो। सो आई वॉज लाइक वाओ, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर। तो आई वॉज वेरी ओवरवेलम्ड बाय दैट, वाज लाइक जो इसरो ने पूरे हिंदुस्तान को दिया था, देश को दिया था, पूरी वर्ल्ड को दिया था, ये वही मैसेज है दैट नथिंग इज रियली इम्पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स। मार्स या आप कहीं पे भी जा सकते हैं। यस या दैट्स फैंटास्टिक, वेल पुट। आप सबसे जानना चाहूंगी इस वेब सीरीज के पार्ट कैसे बनी, किसने ये अप्रोच किया आपको और फिर ऑफर कैसे आया और सबसे पहला थॉट क्या आया इस वेब सीरीज को? मुझे तो कॉल आया, कास्टिंग टीम से कॉल आया था कि एक ऐसी पगली सी लड़की है जिसका रोल है जो साइंस की बातें समझती है और उसे इमोशंस का कोई तालमेल नहीं है। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसा तो मैंने कुछ कभी किया नहीं पहले। तो फिर मैं चली गई टेस्ट के लिए और मुझे बोला गया कि एकदम डेड पैन सी है वो और एकदम बड़बड़ी बड़बड़ करके बात करती है, तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा। एंड देन ऑफ कोर्स आई न्यू विनय वेकुल के साथ मैंने एक पहले एक शॉर्ट फिल्म की थी एंड यू नो ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स इट वाज एन ऑल्ट बालाजी शो, सो एवरीथिंग केम टुगेदर, तो इट वाज एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट फॉर मी। मुझे एक्चुअली 1.5 साल पहले अप्रोच किया गया था पर ऑफ कोर्स तब बना नहीं ड्यू टू सम रीजंस। फिर मुझे एंडमॉल से कॉल आया था एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम असर विनय सर एंड रनालिनी एंड दे अप्रोच मी। फिर मैं उनसे मिलने गई एंड दे टोल्ड मी कि मौसमी कैसी है, झगड़ालू है, अग्रेसिव है, ये है वो है, ऐसे वाओ ये मैंने कभी नहीं किया। सो आई सेड यस एंड ऑफ कोर्स ये जो स्टोरी है पूरे यू नो भारतीयों को देखनी चाहिए एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस टू से यस। तो मुझे कॉल आया मेरे एजेंट्स, मेरे मैनेजमेंट टीम से कि एंडमॉल वांट्स टू मीट यू। तो मैं एक नॉर्मल मीटिंग करने गई थी, मुझे आई हैड नो आइडिया, आई थॉट इट्स लाइक दैट आइस ब्रेकर दैट यूजुअली यू गो इन फॉर अ मीटिंग एंड से वुड लव टू वर्क टुगेदर काइंड ऑफ अ थिंग। तो मुझे नहीं पता था दैट आई वाज गोइंग टू बी ऑफर्ड समथिंग एंड दैट्स व्हेन विनय सर मेट मी स्ट्रेट एंड ही टोल्ड मी अबाउट द फैक्ट दैट दे आर मेकिंग अ शो ऑन मंगलयान मिशन ओवर मार्स। उस टाइम नाम वो नहीं था, तो आई वाज अ लिटिल लाइक टेकन अबैक, आई वाज लाइक इसी तो फिल्म बन गई है एंड आई वाज लाइक वाओ यू गाइस आर मेकिंग अ शो, दिस इज सो इंटरेस्टिंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ मी फॉर, मतलब व्हिच पार्ट। एंड देन यू आर लाइक वन ऑफ द फोर साइंटिस्ट एंड आई वाज लाइक साइंटिस्ट, तो ये सबने पूरे स्कूल के ऐसे फ्लैशेस आए जो रेड से मार्क होता था मेरे प्रोपोजल में, मैं साइंटिस्ट बनूं। तो हाँ मतलब वैसा ही, बट जोक्स अपार्ट आई वाज जस्ट वेरी वेरी हम्बल दैट ही थॉट आई कुड प्ले दैट कैरेक्टर। एंड देन फिर सेकंड स्टेज हुआ व्हेन थोड़ी सी राइटिंग हो गई थी एंड बाय देन दे हैड मेट यू, हां सो दे टोल्ड मी एंड बाय द वे बिकॉज़ आई लव हर कैरेक्टर मौसमी बिकॉज़ आई एम एक्चुअली लाइक दैट इन रियल लाइफ। ओ नो वंडर दे डोंट गेट अलोंग कि प्लीज क्यों आप कैसे हो
चैलेंजिंग तो था मेरे लिए, तो था कि बिकॉज सी मेरा जो कैरेक्टर है ना वो बहुत इमोशनल क्वेश्चन पे बहुत लो है. और हमारा क्या होता है एज इंडियंस एंड एज एन इंडियन ऑडियंस एंड इवन मेकर्स, हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े इमोशनल होते हैं. तो टू काइंड ऑफ हैव अ डेड पैन नॉन इमोशनल पर्सन एंड स्टिल बी एबल टू रिलेट टू द ऑडियंस वॉज डेफिनेटली अ चैलेंज. एंड थैंकफुली विनय हैड रिटन इट इन अ सर्टन वे जो जिससे मुझे आसानी हो गई एंड उनका भी बहुत हेल्प मिला. बट दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज टू हाउ टू क्रैक हर, यू नो. मेरे लिए चैलेंजिंग था कि ये लड़ाकू है, ये डिप्लोमेटिक नहीं है, ये सच बोलती है तो कड़वा सच बोलती है, यू नो. इसको शुगर कोटिंग करना नहीं आता है, बहुत एम्बिशियस है. एक एवरेज मदर है जो अपनी बेटी के लिए पागल नहीं है, बट शी केयर्स फॉर हर. मतलब बेटी का बर्थडे भूल जाना उसको बाद में गिल्ट फीलिंग आती है, लेकिन उस वक्त शी डजंट फील कि अरे उसके लिए मिशन सब कुछ है. सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एट ऑल. तो मेरे लिए येस इट वॉज क्वाइट अ चैलेंज कि ये मौसमी कैसे लड़ेगी, कैसे बातें करेगी, इसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा. बंगाली कैरेक्टर जो मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया, तो काकी का डिफरेंस मैं हटाना चाहती थी क्योंकि नॉर्मली बंगाली लोग काकी का फ़र्क नहीं रखते हैं. तो या ऑल दोज थिंग्स, यू नो, और जल्दी जल्दी बोलती है, हाइपर है. सो चैलेंजिंग था बट मज़ा आया. इट वाज सो फन टू लाइक सी आई मीन बोथ ऑफ यू एंड इवन साक्षी मैन स्विच. ऑफ कैमरा हम लोग वी वर ऑल आवरसेल्व्स एंड देन द मिनट कैमरा वुड कम ऑन एंड एवरीबॉडी वाज देयर कैरेक्टर. या इवन शी वैसे लड़ाकू है, कैमरा जैसे ऑन होता था स्वीट हो जाती थी, मतलब कभी निराश नहीं. और अभी लड़ाई हो जाएगी, एक्सक्यूज मी. ओके हां, ओ यू डिडंट हैव टू टेक इट. सॉरी, कुछ मेरे को कुछ बोला था नहीं ना. Script. फिर उसको सिर्फ अपना एक आई थिंक मोर देन एनीथिंग जस्ट सबमिटिंग टू इट कि हाँ ये है, शी इज दैट पर्सन एंड आई एम दैट पर्सन व्हेन आई एम प्लेइंग हर. सो एंड दैट कम्स फ्रॉम अ होल लॉट ऑफ ट्रस्ट विद योर डायरेक्टर एंड योर को एक्ट्रेस फॉर श्योर. थैंक्स. सो इन अ वेब सीरीज व्हाट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर यू ऑल? इन अ वेब सीरीज कॉन्सेप्ट, योर कैरेक्टर. Yeah. It should be challenging only then I say yes. I don't know about them. For मतलब एक वेब सीरीज फॉर्मेट में क्या चैलेंजिंग लगता है, इज दैट व्हाट यू आस्किंग? मेरे लिए वेल दिस वाज अ सेकंड, बट इससे पहले भी जब टाइपराइटर भी हो रहा था. क्या है कि आप एक फिल्म में 30 दिन काम करते हो, 30-35 दिन जो भी जितना भी आपका स्केड्यूल होता है, लेकिन ये बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है. तो एक उसके अलग चैलेंजेस हैं, मतलब एक चीज़ को सस्टेन्ड उतना लंबे समय तक रखना. उसके अलग फ़ायदे भी हैं कि आपको उतना एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है. तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग चैलेंज टू हैव. इट्स नॉट अ बैड वन बट इट्स अ गुड वन. चैलेंज एक्चुअली फॉर मी, आई स्टार्टेड ऑफ विद अ वेब सीरीज. सो परमानेंट रूममेट्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वेब सीरीज एवर. तो उस टाइम पता ही नहीं था हम क्या बना रहे हैं एंड बट वी न्यू दैट इट्स अ लॉन्गिश फॉर्मैट, बट वो फिर भी छोटी थी. बट एज I'm doing more and more web series. I think it's a different format, of course, क्योंकि each episode के बाद you know you need to have a cliffhanger and all of that. But वो actually makers का that is their outlook. For us, when you read the script and you, for me it is so this that if I read the script and I know that I will want to watch this, that's when I say yes. Okay.
आपको इस वेब सीरीज में क्या कुछ सीखने को मिला, बहुत ही इंस्पायरिंग है, सो आप तीनों तीन चीज कुछ ऐसी बताया जो इंस्पायर करे, आपको इंस्पायर किया, तीन चीजें या तीन चीजें। पहली बात की मार्स अर्थ से 6022 मिलियन किलोमीटर दूर है। दैट्स गुड नॉलेज टू हैव। वेरी गुड। और मून 324 मिलियन किलोमीटर। सच अ साइंटिस्ट। एंड देन व्हाट अ मेथड यू सी। आई थिंक यू नो जो हमने सीखा है ना, इट इज ऑल अबाउट नेवर गिविंग अप। इट इज अबाउट नेवर डाउटिंग your capabilities, your abilities, क्योंकि doubt आपके मन में भरने के लिए पूरी दुनिया बैठी है कि तुमसे तो नहीं होगा, तो वो कभी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। एंड दिस वेब सीरीज हैज़ दैट यू नो फोर्स कि अगर आपने इतना बड़ा सोचा है, इतनी बड़ी जंप मारने की सोची है, तो मार लो। नॉट सेकेंड गेसिंग, नो सेकेंड गेसिंग, जस्ट नोइंग कि ये करना है तो ये करना है। And also what I really liked was ki charo all four females were very different people but they had one common purpose aur usme wo charo saath mein aa jate hain and knowing that you can be very very different from the other person but if you love the same thing you can work together you can you know make things happen and wo bahut mazedar tha to experience that on set television ya fir movies se kitna alag hota hai web series कितना डिफिकल्ट या इजी होता है आप लोग? देखो इजी तो कुछ भी नहीं होता। आप टीवी बात करो, स्टेज बात करो, मूवी या ओटीटी, इट्स नेवर इजी। इजी है तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो अलग है बिकॉज सबका अपना अपना एक टेक होता है, यू नो, सबका अपना अपना शूटिंग का एक प्रोसेस होता है। टीवी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्वान्टिटी। वेब सीरीज़ में आपको काफ़ी टाइम मिलता है प्रेपरेशन का, मूवीज़ में आपको काफ़ी टाइम मिलता है प्रेपरेशन का, तो दिस इज़ अ वेरी गुड चेंज। I mean, coming from her, she's like the queen. Yes, of everything actually. She's the queen of everything. Like oh please, I insist. Watching TV actually, I should never watch it otherwise also. I've started watching TV regularly because of Jassi. Arey. I should never watch it. मैं हिप्पे पूरे पूरे कुछ sorry but like I should never watch it. मैं मेरा attention span ही नहीं था उतना. But because of her, I was like, wow, what a fun character! Hey, I've always wanted to see this on camera. Let's say Jassi Kohi Nahi together on camera. मैं भी बोलूँ। हाँ, तुम भी बोलोगे। नहीं क्यों? हम लोग इसके लिए बोलेंगे Jassi Kohi Nahi. तो तुम Kohi Nahi बोल सकती हो। हाँ, okay. 1, 2, 3, 4. Jassi Kohi Nahi. इतनी अच्छी bonding है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा experience रहा आप लोग किस जैसे दिख रहा है ऐसा 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 कुछ ऐसी मेमोरीज जो शेयर करना चाहे शूट के दौरान जो फनी हो या फिर इंटरेस्टिंग। ये बहुत एक्सप्रेसिव है, मतलब कैमरा तो भूल जाओ, कैमरा जब रोल नहीं भी हो रहा है ये बहुत एक्सप्रेसिव है। तो उन्होंने नया एक अपना यू नो पर्सनल स्पॉट बॉय रखा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे करें, तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस कैसे देने। तो नाश्ते का टाइम था इवनिंग, तो इन्होंने अपने स्पॉट बॉय को अंदर बुलाया, तो इन्होंने बोला नाश्ते नहीं कराया, तो स्पॉट बॉय ने बोला शायद से साबुदाना वड़ा है, तो इसने उनको देखा बोले साबुदाना वड़ा, मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई। देखो स्पॉट ऐसा ड्राइवर भी हो तो फिर साबुदाना वड़ा का बाइट लिया, बहुत यम्मी है। I didn't say that. I just said, told him, आप जाके आप भी खा लो। आप भी खा लो। We just had a lot dirty of fun. Dirty jokes about it. Yeah. Yes. I call her Sabu. Yeah. आप सबसे ये क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि एकता कपूर के साथ आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस है? मैं तो अभी तक मिली नहीं हूँ, फॉर द एंड टाइम एक बार मिली हूँ। हमारा जब ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तब हमने हेलो किया एक दूसरे को, बट आई हैव नेवर, बट उनसे ऑफकोर्स किसी को इंट्रोडक्शन, आई मीन मुझे तो डेफिनेटली एवरीबॉडी नोज एकता एंड एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग शी डज एंड ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट शी डज, बट आई हैव नेवर पर्सनली मेट हर बियॉन्ड द दैट वंस। या मैम आप तो बहुत पहले से उन्हें जानती हैं, सो मैंने काफ़ी सारे शोज भी किए हैं। 2013 से चल रहा है, 12 एक्चुअली 12 आई स्टार्टेड विद क्या हुआ तेरा वादा, तो ये मेरा चौथा शो है उनके साथ।
7 years. Yeah. Wow. Yeah. मेरा इंटरेक्शन से अपहरण के ट्रेलर लॉन्च पे पहली बार हुआ था, बट ऑब्वियसली उसके पहले मुझे पता था क्योंकि एड स्टॉर्म ने प्रोड्यूस किया था, तो आई नेवर गॉट टू मीट हर, बट आई मेट हर एट द ट्रेलर लॉन्च एंड शी इज एज फैब एज शी इज, एंड शी इज ऑल्सो एट द सेम टाइम शी इज वेरी नर्चरिंग, शी हैज दिस अमेजिंग क्वालिटी अबाउट लाइक being caring about you as well, like even though she has 5,000 things going on in her head. So and dusra interaction bhi mera trailer launch bhi tha apne Vishnu aur Mars, so you don't get to like spend a lot of time with her, but you know she's there, she makes her presence felt, and she's also very encouraging, like even if it is on Instagram or you know or anything like that, she's very encouraging, she's always very like peep thapthapati rehti hai, very nice. इन फ्यूचर आप किस टाइप का कैरेक्टर करना पसंद करेंगे? वो अभी तो नहीं पता यार, मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया अभी. मैं आपको मतलब मैं तो लिस्ट दे सकती हूँ पर उसमें एक और घंटा लगेगा. सो मैनी प्रोजेक्ट्स के बारे में. मेरा सीजन 3 अभी चालू होने वाला है, कहने को हम सफर है, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. ओके एंड लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस? जैसी जैसी कोई नहीं, ऑडियंस को हम थैंक यू ही बोलना चाहेंगे कि यार आपने हमारा शो देखा, इतना प्यार दिया, एंड थैंक यू वेरी मच. पर्सनली आपने मैसेजेस भेजे सबको, हम सबको पसंद किया. यस यस. एंड जो टाइम स्पेंड करते हैं देखते समय कंटेंट को, इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर टाइम, इट्स अ लॉट ऑफ आवर्स, सो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग दैट यू नो यू शुड गिव अस दैट मच टाइम एंड देन लाइकिंग इट एंड गिविंग अस फीडबैक. फीडबैक आल्सो आई रियली अप्रिशिएट व्हेन दे राइट to us, it's really appreciated, so thank you. And I want to say that for people who are watching it, apne betiyon ko zyada se zyada science mein jaane ke liye encourage kijiye, because this is a show that that really talks about that, and there's a reason for it. So women in the sciences is my message to the audience. Yo.